So today I'm going to start the fourth part, okay? Part 4. Chapter number 5. Rulers and buildings. Rulers and buildings, ठीक है? इस चैप्टर में हमने टर्म्स टैंक्स वगैरह टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? इसके बाद का टॉपिक हमें पढ़ना है why was temples targeted? Temples targeted. What? Garden Tom and Paul. Yes. Garden Tom's and Ford. Tom and Ford. ठीक है, अबे ये पढ़ना है, इसके बाद the Bible temple start. ठीक है, so someone please read it for me. So Bible temple started our previous topic by Garden Tom's and Ford. So yesterday was Because kings built temples to demonstrate their devotion to God and power and wealth, it is not surprising that when they attacked one another's kingdom, often targeted these buildings. And Pandya king Sri Mara was targeting the Buddhist monk chronicler Dhammakati noted he removed all those statues of Lord Buddha. ठीक है, Lord Buddha के उसने सारे statues को हटा दिया था श्रीलंका से. ठीक है, बाद में जब उस सेना 2 जो राजा थे उन्होंने दोबारा पांड्यास की राजधानी पर आक्रमण किया तो उसने उन सारे स्टैटूज को दोबारा रिस्टोर करके लगवा दिया था. ठीक है, ये हमने पढ़ा था टेम्पल्स टारगेटेड वाला. ठीक है, उसके बाद हमें ये पढ़ना है गार्डन टोम एंड फोर्ट्स. ठीक है, तो गार्डन टोम एंड फोर्ट का मतलब पता है ना, गार्डन क्या होता है, टोम क्या होता है और फोर्ट क्या होता है. गार्डन टॉम So when we talk about this, okay, fort was official residence of any king. ठीक है, कोई भी राजा जब फोर्ट या किला बनवाते थे तो वो बेसिकली इसीलिए बनवाते थे ताकि उनकी फैमिली या उनका परिवार या जो भी उनकी फैमिली मेंबर्स हैं वो इसमें प्रॉपरली रह सके. अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो लाल किला जो था वो हमारे मुगल्स का ऑफिशियल रेसिडेंस हुआ करता था. ठीक है, इसी भी मुगल्स की जो फैमिली थी वो इस रेड फोर्ट में रहा करती थी एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट फोर्ट्स वर द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ एनी किंग. ठीक है, ऑफिशियल रेसिडेंस. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट टोम, टोम वाज़ द रेसिडेंस ऑफ एनीवन हु बिलोंग टू द मुस्लिम फैमिली आफ्टर डेथ. ठीक है, किसी की भी डेथ अगर इनकी फैमिली में होती थी तो उनको इस टोम में या फिर यहीं पे लाके लोग दफना देते, यानी कि ये था एक तरह का क्रीमेटोरियम, है ना? क्रीमेटोरियम इज अ प्लेस वेयर ऑल द पीपल आर क्रीमेटेड और बरीड इनसाइड द सॉइल. ओके, एनी प्रॉब्लम एनीवन? किसी कोई दिक्कत है? टॉम्ब एक ऐसी जगह थी जहां मुस्लिमों के परिवार वाले अपने मरे हुए लोगों को लाके दफनाते थे. समझ में आ गया? ओनली मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस. ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो अभी तक कोई क्रिश्चियन राजा हमारे देश में आया नहीं था. ठीक है, इसलिए हम केवल मुस्लिम फैमिली को लेकर के यहाँ पे चलते हैं. ठीक, फिर आया गार्डन. गार्डन में लोग क्यों जाते थे? घूमने टहलने या फिर चिल आउट करने के लिए वो लोग जाते थे या फिर घरों के बाहर ही बगीचा लगवा देते ताकि वो इजिली प्राकृतिक चीजों का आनंद ले सके. समझ में आया? चलो देखो, पढ़ो. Under the Mughals, architecture became more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, and especially Shah Jahan were personally interested in literature, art, and architecture. He is in his biography, Babur describes his. In his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens placed within rectangular walled enclosures and divided into four quarters by artificial channels. These gardens were called Chahar Bagh, four gardens because of their symmetrical division into quarters. Beginning with Akbar, some of the most beautiful Chahar Baghs were constructed by Jahangir and Shah Jahan in Kashmir, Agra and Delhi. Okay? There were several important architectural innovations during Akbar's reign. For inspiration, Akbar's architects turned to the tomb of his
central Asian ancestor Taimur, the central towering dome and the tall gateway Peshtaq became important aspects of Mughal architecture. ठीक है, फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम, द टॉम वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल चारबाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज एट पैराडाइजेस और हश्ट बिहिश्त, द सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय एट रूम्स एंड द बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज एंड विद व्हाइट मार्बल. ठीक है, तो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी मुगल्स थे उनके टाइम पे बहुत अच्छी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुई थी. ठीक है, जितने भी आर्किटेक्चर उन्होंने बनवाए थे, स्पेशली बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इन लोगों ने इन सारी चीजों को सबसे ज्यादा बनवाया था. समझ में आया? उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी टॉम वगैरह थे, ठीक है, उन टॉम को बनाने के लिए स्पेशल डिजाइन, स्पेशल तरीकों का जो इंट्रोडक्शन था वो मुगल्स ने ही किया था. ठीक है, जैसे कि हमें हुमायूं के मकबरे में पहले मिलता था कि एक सेंट्रल हॉल है, ठीक है, जिसके बीच में उनका मकबरा है और चारों तरफ आठ कमरे हैं. ठीक है, इनको हम कहते थे एट पैराडाइजेस. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों का यूज करना या डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चरल टेक्निक्स का यूज करना, ये मुगल्स की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हुआ करती थी. समझ में आया? यस. सर, तो जब इनका बीच में मकबरा होता था और यहाँ जहाँ आठ कमरे होते थे, तो सर उनका क्या काम होता था? उनका काम यही था कि वो बस ऐसा एक आर्किटेक्चर था कि बीच में उनके क्या कहते हैं, उनका मकबरा है, उनके आठ मंत्री उनके आठ कमरों में रहते हैं, आठ फॉलोअर्स. ठीक है, इसीलिए एट पैराडाइजेस का नाम उनको दिया गया था. समझ में आया? यस. चलो सिट डाउन. After that, it was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture was fused together in grand harmonious synthesis. This reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. The ceremonial halls of public and private audience were also carefully planned. Placed within the large courtyard, these courts were also described as Chahal Sutun or 40-pillared halls. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि शाहजहां के टाइम पे इसने बहुत सारे आर्किटेक्चर्स को फ्यूज किया. फ्यूजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द म्यूजन ऑफ मीनिंग ऑफ फ्यूजन? फ्यूजन और उसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मिश्रा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन? मिलाना. ठीक है, आई फ्यूज द नॉलेज ऑफ शिवांगी एंड मानसी. व्हाई? बिकॉज शी वॉज हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज इन जीके एंड यू वर हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ साइंस. सो आई फ्यूज द नॉलेज ऑफ बोथ ऑफ यू एंड क्रिएटेड अ न्यू सब्जेक्ट नेम समथिंग. ठीक है, मतलब ये है कि कई सारे स्टाइल्स का, कई सारे तरीकों का उसने फ्यूजन बनाया. फ्यूजन का मतलब क्या? जैसे मान लो हमारे पास डीएनए का फ्यूजन होता है ना, हम लोग घोड़े का और गधे का फ्यूजन बनाते हैं तो फिर वो खच्चर बन जाता है. ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग जिसको कहते हैं. चावल और दाल अलग अलग बनाते हैं तो चावल दाल सब्जी कहलाता है, और जब मिलाकर बनाते हैं तो खिचड़ी बन जाता है. तो वो क्या है? चावल और दाल का फ्यूजन ही तो है. ठीक है, तो बहुत सारी आर्किटेक्चरल टेक्निक्स को उसने फ्यूज कर दिया. जैसे हमने पढ़ा है ना पिट्रा डूरा, या फिर ये जो हमने पढ़ा था अभी आर्क्यूएट, ठीक है, ट्रेबिएट स्टाइल, इन सारे स्टाइल्स को उसने फ्यूज करना शुरू किया और हर एक चीज की झलक हर एक बिल्डिंग में दिखाई देना शुरू हो गया. जैसे मान लो उसने बिल्डिंग बनवाई, वो ट्रेबिएट स्टाइल में बनवा दी. ठीक है, जो गेट था, जो एंट्रेंस था, वो आर्क्यूएट स्टाइल में बनवा दिया. ठीक है, इसका मतलब यही था कि एक साथ उसने कई सारे टेक्निक्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली आगरा में. ठीक है, जो हमारा ताजमहल है उसमें क्या दिखता है हमें कि ट्रेबिएट स्टाइल और आर्क्यूएट स्टाइल, जो हमारी सेमी सर्कुलर स्टाइल होती है, उसको फ्यूज करके उसने ताजमहल को बनवाया था. ठीक है, उसके एंट्रेंस देखोगे तो वो एक आर्चुअल गेट है उसका. ठीक है, और उसके जब बाहर आओगे तो तुम्हें चार पिलर्स भी दिखाई देंगे. ठीक है, वो चार पिलर्स ये बताते हैं कि हमारे कई सारे टेक्निक्स का वो मिक्सचर है, किसी एक टेक्निक का, किसी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करके उसे नहीं बनाया गया. समझ में आ रहा है? आ रहा है? ठीक है, तो फ्यूजन का मतलब यही होता है कई सारे टेक्निक्स को एक साथ मिला करके फिर उसे बनाना. कोई दिक्कत? ठीक है, ओके. सो दिस फ्यूजन वाज नोन एज चहल सुतुन या 40 पिलर्ड हॉल्स. ठीक है, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती थी उसमें कई सारे ऐसे टेक्निक्स को मिला करके उस बिल्डिंग को प्लान करते थे. समझ में आया? Yes, नहीं? Yes, yes. देखो, कोई भी एक बिल्डिंग बन रहा है, मान लो कोई मेरे पास 6 एकड़ की जमीन है, यहां से लगाए बुधविहार पार्टी तक, ठीक है, पूरी जमीन मेरी है. ठीक है, और मुझे उसमें एक बहुत बड़ा किला बनवाना है, तो किला अगर बनवाएंगे तो इतना बड़ा किला तो बनेगा नहीं मेरा.
इतनी पूरी जमीन है तो उसमें किला बनवाना है, और मुझे चाहिए कि मेरे पूर्वजों ने जितने जितने स्टाइल्स को यूज किया है उन सब स्टाइल्स की एक झलक हर एक मतलब उस किले में दिखाई दे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक सेक्शन डिवाइड कर देंगे और सेक्शन वाइज उस पूरे किले में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टाइल्स का यूज किया गया रहेगा। ठीक है, समझ में आया। और इसी को कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, कई सारे स्टाइल को किसी एक बिल्डिंग में इंप्लीमेंट कर देना या एक साथ यूज कर देना इज नोन एज फ्यूजन। अंडरस्टूड? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। दिव्यांश, समझ में आ रहा है ना? चलो, तो सेरेमोनियल हॉल्स बनाए गए पब्लिक के लिए, प्राइवेट ऑडियंस के लिए बनाए गए, यानी किंग की फैमिली या फिर किंग का कोई रिश्तेदार है तो उसके लिए। ठीक है, पब्लिक के लिए ही बनवाए गए। ठीक है, और जो ये हॉल बनते थे वो 40 पिलर्ड हॉल्स बनते थे, मतलब कि उस बिल्डिंग को बनाने के लिए या फिर उस हॉल को बनाने के लिए 40 पिलर्स का यूज करते थे। क्यों ठीक है, ये एक तरीका, एक आंसर हो सकता है, बट जो हमारे सेरेमोनियल हॉल्स बनते थे या फिर जो वैवाहिक कार्यक्रम होने के लिए बनता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, छोटी सी जगह में तो बनता नहीं है, और बड़ी जगह पे जब बनेगा तो बड़ी जगह में उसको एक बड़ा सा रूफ चाहिए। ठीक है, और उस बड़े रूफ को सपोर्ट करने के लिए हमें ज्यादा पिलर्स की जरूरत है, और ज्यादा पिलर्स के लिए ही ये 40 पिलर्स हॉल बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ तक कि जो राजाओं का दरबार होता था वो भी ऐसे ही 40 पिलर वाले हॉल से बना होता था। समझ में आया? बनता था भाई, जैसे रिक्वायरमेंट वैसा। ठीक है, अब ऐसा नहीं ना है कि मान लो तुम्हारे पास केवल स्कूल बल की जमीन है उसमें तुम 50 पिलर में कर दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना। तो बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट जो थी वो 40 पिलर की, इसलिए वो 40 बनाते। ठीक है, इतने का काम पड़ता था। हाँ, समझ में आ गया। बैठो, क्यों खड़ी हो गई, बैठो, कोई परेशानी है किसी को? यस सर। उसके बाद ये पिलर अंदर डालते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना, फिर किसी बात कर रहे हैं, खड़ा कैसे है? Yes, खड़ा ऐसे है, कैसे? सुन लो बतिया, पहले मेरी पूरी कंप्लीट हो जाने दो। हेलो, लिसन मोर टाइम से। So, जब ये अर्थ के अंदर जाता है, ठीक है, तो अर्थ के अंदर जब जाता है तो फिर इसको जाम करते हैं नीचे। ठीक है, जाम करने के बाद फिर इसको जब हम लोग लेवल पे आ जाते हैं तो लेवल पे नींव बिछाई जाती है। अब नींव जानती हो, जैसे ये पिलर है वैसे ही पूरे मतलब जो सरफेस होता है ना हमारा जमीन का सरफेस, उस पर पिलर्स बनाए जाते हैं कई अलग अलग तरीके के, और उस पिलर से इस पिलर को सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, और जब सपोर्ट बन जाता है, जब वो सीमेंट से टोटली लॉक हो जाता है, लॉकिंग के बाद फिर इस पिलर को हम लोग इस पे हम दीवार बनाना शुरू करते हैं या फिर आगे ऊपर रूफ डालना शुरू करते हैं। ठीक है, और अगर तुम इस वाले पिलर की बात कर रही हो तो ये वाला पिलर जो है इस पे और उस पीछे वाले पिलर पर टिका हुआ है। यू नीड अ वेरी गुड सिविल इंजीनियर माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग इज हैपनिंग हियर, why this is standing on this pillars. देखो भाई, सीधी सी बात ये है कि इस वाले को सपोर्ट इसने दिया है, इसको सपोर्ट इस छत ने दिया है, इस छत को सपोर्ट इसके नीचे आने वाले पिलर ने दिया है। कैसे इसको सपोर्ट दिया है तो नीचे तक जाएगा? नीचे कुछ है नहीं, ये वाली दीवार नहीं, ये दीवार नहीं है, और ये दीवार बनाने से पहले इसके पहले यहाँ पे पटरा लगाया गया होगा ताकि सपोर्ट रहे, पटरा लगाया था कि ऊपर से भरा गया होगा, भरने के बाद जब ये जाम हो गया, जब ये पक्का हो गया, उसके बाद इसके ऊपर रूप बनाया गया। आ गया समझ में? अब नहीं समझ में आया ना तो दाऊपुर घर बन रहा है मेरा, आ जाना मैं बता कहीं से सो सही जा रहा है। ठीक, अब समझ में आया? यस सर। बैठ, कोई परेशानी है? हाँ, इससे पहले कहीं न्यूक्लियर अटैक हो मैं शुरू हो जाना। शाहजहां ऑडियंस हॉल, देखो अभी बताया था ना दरबारी जो होते थे या फिर दरबार जो बनता था उसमें भी 40 पिलर वाला हॉल बनता था। ठीक है, शाहजहां ऑडियंस हॉल वाज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेंबल अ मॉस्क, द पेडेस्टल ऑन व्हिच द थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला। ठीक है, जिस ऊंचाई पे या फिर जिस प्लेटफॉर्म पे जो राजा का सिंहासन रखा होता था या जहां राजा बैठते थे उसको हम कहते हैं किबला। समझ में आया? कोई परेशानी है? हाँ जी पांडे जी, नींद आ रहा है?
मैथ्स वाले पीरियड में बड़े अटेंटिव रहते तुम लोग, मेरे पीरियड में दिया दिया दे तुम लोगों को। सर जामी मस्जिद वाला जो किबला था yes? वो आप बताए थे कि उसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो मक्का का रास्ता है। हम बताए थे, आप ही बताए थे, हम पूछे थे किबला क्या होता है तो आप ये बताए। जामी मस्जिद के बारे में बताया था मैंने, मैंने पूछा था किबला क्या होता है सर। ये कुछ मैंने तुम कबीला कुछ थिंकिंग है, ये लोगों की थिंकिंग है कि मेरे देवता वहीं से निकल के आए थे। तो ये समझ में आ गया, कोई परेशानी है इसमें? चलो पढ़ो मानसी जरा इसके आगे। The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi. Behind the emperor's throne were a series of pitradura in place that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. ठीक है, तो pitradura is a basically colored hard stone placed in the depression carved into marble or sandstone. देखो बेसिकली होता क्या है कि पिट्राडुरा एक ऐसा स्टाइल है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हम उसको डिजाइन करते हैं या कार्व करते हैं, काटते हैं, ठीक है, उसके बाद कहीं पे इसका यूज करके हम इसको एक नई फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं उसको, नई फॉर्म ऑफ बिल्डिंग या नई टेक्निक ऑफ फॉर्मेशन का नाम दे देते हैं। समझ में आया? नहीं, देखो पिट्राडुरा बेसिकली क्या करते हैं ना कि अलग अलग तरह के पत्थरों को काटते हैं, ठीक है, काटते हैं, उसके बाद कोई भी चीज अगर बननी होती तो वहां पे उसका यूज कर देते हैं बस। ठीक, सो यानी कि जो दीवार पर अलग अलग पत्थर, अलग अलग कलर के पत्थर लगे होते हैं आज के डेट में नहीं, तो लगे पहले के जमाने में पिट्राडुर, अरे आज के जमाने में तो आज की जनरेशन में लगे तो वो क्या है, आज के जमाने में तुम सैंडस्टोन खोज ले होगी कहीं से, लाइमस्टोन ले होगी कहीं से खोज के, मार्बल ले होगी, मार्बल तो खैर वो जो मिल जाता है वो तो मार्बल ही नहीं है, वो मार्बल ले होगी एग्जैक्ट वही जो पुराने जमाने में, हां वही पिट्राडुर, हां तो वो तो लेकर जल्दी चले आएंगे वो ल्यूट को प्ले करते हुए यहाँ पे शो किए गए हैं। अब ल्यूट क्या होता है? उसको फ्लूट कहते हैं भाई, लूट नहीं, ल्यूट। देखो ल्यूट एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको ऐसे करके बजाया जाता है, इसको बड़े बड़े साइज का गिटार समझ लो, सितार नहीं होता है, सितार तो ऐसे होता है ऐसे करके और फिर घी वाला, हाँ हाँ एग्जैक्टली वही। अब किसी को नहीं पता है। देखो होता क्या है ना कि उसमें एक तरफ से हवा मतलब पास कराते हैं और दूसरी तरफ से उसकी ट्यूनिंग करते हैं हाथ से, ठीक है, एक तरफ से वो बजेगा भी और दूसरी तरफ से तुम्हें ट्यूनिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है, वो एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ल्यूट, ठीक है, जिसको बजाते हुए इनको डिपिक्ट किया जाता है उसमें, ठीक। इट वॉज बिली आज के जमाने में अगर ये बिल्डिंग जिंदा होगी तो वो भी जिंदा होगा। इट वॉज बिलीव दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फेरोशियस बीस्ट अंटिल दे कोएग्जिस्टेड टुगेदर पीसेबली। The construction of Shah Jahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. ठीक है, तो Orpheus का जो music है वो basically इसलिए बनाते थे वैसा वैसी मूर्तियां इसलिए बनाते थे ताकि उनको पता चल सके कि जो Orpheus music है जो lute से वो play करते हैं, ठीक है, उससे बड़े बड़े शैतानी चीजें जो है वो शांत हो जाती है, ठीक है, और जो अकबर का या फिर किसी भी मुगल सुल्तान का जो बड़ा बड़ा हॉल होता था वो इसीलिए बनवाते थे वो, ताकि ये बड़े बड़ी जाति या छोटी जाति या राजा और प्रजा दोनों में इक्वालिटी को वो डिपिक्ट कर सके या शो कर सके, ताकि बाद में ये दोनों चीजें इक्वालिटी में रह सके। समझ में आया? नहीं, एक बार फिर से देखो, बेसिकली जितने भी हॉल बनते थे, जितने भी दरबार बनते थे, ठीक है, राजाओं के दरबार जो बनते थे ना वो इसीलिए बनवाए जाते थे ताकि वहां पे कोई भी आकर के राजा से सीधे सीधे कम्युनिकेट करे, ठीक है, अपनी परेशानियों को राजा को बताए ताकि राजा उसके हिसाब से उसका सलूशन वो बता सके, ठीक है। इससे क्या होता है कि राजा ये भी शो कर सकते हैं कि हम केवल अपने लोगों का ध्यान नहीं देते हैं बल्कि हमारे जो राज्य में छोटे से छोटे लोग रह रहे हैं हम उनका भी ख्याल रखते हैं, वो भी डायरेक्ट हमारे पास आकर के हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। समझ में आया? कोई परेशानी है? In the early years of his reign, Shah Jahan's capital was at Agra, a city where the nobility had constructed their homes on the banks of River Yamuna. These were set in the midst of formal gardens constructed in the Chahar Bagh format,
The Chahar Bagh Garden was also had a variation that historians describe as the River Front Garden. In this, the dwelling was not located in the middle of the Chahar Bagh, but at its edge, close to the bank of river. ठीक है, तो शाहजहां जब नए नए राजा बने थे उस टाइम पे बहुत सारे गार्डन जो है यमुना नदी के किनारे में बसे होते थे. ठीक है, चाहर बाग या फिर गार्डन वही एक ही चीज है. ठीक है, तो चाहर बाग का उस टाइम पे डेफिनेशन ये बना था कि जो भी गार्डन किसी नदी के किनारे बने हैं या फिर नदी के नदी उनके सामने पड़ती है, ठीक है, तो उसको हम चाहर बाग कहेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है? छह महीना पेपर स्कूल आएगा तो समझ में आ रहा है. देखो, आगरा जब शाहजहां नए नए राजा बने थे उस टाइम पे आगरा उनकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी. ठीक है, तो कैपिटल सिटी बेसिकली होने की वजह से वहां पर जितने भी लोगों ने यमुना नदी के किनारे अपना घर बना रखा था, ठीक है, दीज वर सेट इन द मिडस्ट ऑफ द फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चाहर बाग. ठीक है, तो उस टाइम पे जितने भी गार्डन उस जगह पे बने हुए थे यमुना नदी के किनारे, ठीक है, वो सारे गार्डन उन सारे नोबल्स के घरों से अटैच थे. मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो यमुना नदी थी उसके किनारे किनारे आगरा में जितने भी नोबल्स या महाराज के जो मंत्री होते हैं वो रहते थे, उन्होंने यमुना नदी के किनारे अपना घर बनवा रखा था. ठीक है, और यमुना नदी के किनारे जब घर बनवा रखा था तो उनके सामने उन्होंने गार्डन भी बनवाया था. ठीक है, तो उन गार्डन्स को जो रिवर के बिल्कुल सामने थे या उन घरों से अटैच थे उन्हीं को नाम दे दिया गया चाहर बाग. समझ में आया? हाँ जी. जो ताजमहल है वो तो एक टॉम्ब है ना, तो वहाँ पे मुमताज को वो रखे हुए हैं, मुमताज को रखे हुए हैं वहाँ पे, दफनाया गया. तो ये मतलब ताजमहल के सामने पेड़ में देखिए सर, वो भी बनाया गया है गार्डन, तो कोई दिक्कत? सर तो ये कहना चाह रही ये भी चाह रहा यस इसके ये भी तरह की बिल्डिंग ही तो है, और बिल्डिंग के इसी के पीछे ना हमारी यमुना नदी बहती है, और ये गार्डन का शेप है, इसलिए ये भी एक चार बाग है. समझ में आ गया? बेटर. ठीक है, तो चार बाग गार्डन आल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन. ठीक है, कई बार क्या होता था कि जो भी चार बाग गार्डन है, ठीक है, ये मेनली जो है नदियों के किनारे में बसे होते थे या इनके सामने नदियां हुआ करती थी. ठीक, समझ में आया? In this, the dwelling was not located in the middle of the Chahar Bagh, but at its edge. Dwelling का मतलब क्या होता है? What is the meaning of dwelling? किसी को पता है dwelling क्या होता है? No sir. Dwelling का मतलब ये है कि जो नदी का पानी है, ठीक है, वो उस बाग के बीच में ना होकर के बाग के किनारों से गुजरता था. समझ में आया? नहीं. मार्कर कहाँ? देखो. मान लो ये हमारा ताजमहल का एरिया है, ठीक है, ये ताजमहल यहाँ बीच में बना हुआ है और ये पीछे से हमारी यमुना नदी बहती है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे गार्डन वार्डन बना हुआ है. ठीक है, तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो भी नदी का किनारा है या नदी के जो पानी का फ्लो है वो इसके बीच से ना होकर के इसके एज से यानी कि किनारों से होकर के गुजरता था. समझ में आया? कोई परेशानी है पीछे? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या गया? नहीं, देखो कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा चाहर बाग है, ठीक है, इस चाहर बाग से या फिर ये जो गार्डन है जो जिस नदी के किनारे में बसा हुआ है, ये नदी का फ्लो इसके बीच से ना गुजर के इसके किनारों से गुजरता था. समझ में आया? अभी भी नहीं आया? त्रिपाठी जी समझ में आया? चलिए अच्छी बात. शाहजहां क्लोज टू द बैंक ऑफ रिवर. शाहजहां अडॉप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ ताजमहल, द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ हिज रीन. हियर द व्हाइट मार्बल मॉजोलियम वॉज प्लेस्ड ऑन द टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर एंड द गार्डन वॉज टू हिज इट साउथ. ठीक है, तो जो हमारा शाहजहां है उसको ताजमहल, जो हमारा ताजमहल है उसको शाहजहां ने बनवाया था एक रिवर फ्रंट गार्डन के बीच में. ठीक है, यहाँ पे व्हाइट कलर के मार्बल को काट करके फिर इस बिल्डिंग को बनाया गया था. समझ में आया? शाहजहां डेवलप दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म एज अ मींस टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल्स हैड टू द रिवर. ठीक है,
तो उस टाइम पे जो रिवर पे उन मंत्रियों का अधिकार हो चुका था, ठीक है, उस अधिकार को कम करने के लिए और उस नदी से थोड़ा पावर अपने अंडर में लेने के लिए शाहजहां ने बेसिकली क्या किया कि इस बिल्डिंग को या इस चाहर बाग को बनवाना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया? ताजमहल को बेसिकली उसने इसीलिए बनवाया था ताकि उस नदी पर से उसको कंट्रोल अपना वापस रीगेन कर सके। समझ में आया? Yes, sir. नदी पे जब नदी के किनारे सारे नोबल्स बस चुके थे तो उसपे उनका अधिकार हो चुका था, ठीक है, तो उस अधिकार को थोड़ा कम करने के लिए और अपनी अपने राजा होने का कुछ इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए उस नदी पे अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए इसने इस गार्डन को बनवाया। समझ में आया? Yes, sir. Okay, in the new city of Shahjahanabad, he constructed in Delhi, the imperial palace commanded the river front. Only specially favored nobles like his eldest son Dara Shikoh were given the access to the river. All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. बाकी जब शाहजहानाबाद इसने डेवलप किया, ठीक है, तो शाहजहानाबाद यानी हमारी पुरानी दिल्ली, ठीक है, तो पुरानी दिल्ली को जब इसने एस्टेब्लिश किया था तो पुरानी दिल्ली पर से जितना भी यमुना नदी के किनारे थे, ठीक है, वहां से नोबल्स को हटा करके केवल एक नोबल को उसका एक्सेस दिया गया था, वो था दारा शिकोह जो शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का था। ठीक, समझ में आया? और बाकी लोगों को उस यमुना नदी के किनारे से हटा दिया गया और बाकी लोगों को क्या कहा गया कि आप इस यमुना नदी के किनारे से हट करके कहीं और जाकर के अपने घर बनाइए। समझ में आया? ओके, All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. यमुना नदी से दूर हटके फिर उनको अपना घर बनवाना पड़ा था। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? सर आ गया। अरे तुमसे ही थोड़ी पूछना है यार, बाकी लोग भी क्लास में बैठे हैं ना, बताओ पीछे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? आवाज क्यों नहीं आई फिर? आया? यस सर। चलो रीजन एंड एम्पायर पढ़ो। रीजन एंड एम्पायर, ये हमारा शायद लास्ट टॉपिक है ना? यस सर। रीजन एंड एम्पायर पढ़ो। कंस्ट्रक्शन बिटवीन इंक्रीजर बिटवीन, पढ़ो भाई मानते तो पढ़ो। सर 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 पढ़ो पढ़ो। द 8th एंड 18th सेंचुरी देयर वाज आल्सो अ कंस्ट्रक्शन sharing of ideas across regions. The traditions of one region were adopted by another. ठीक है, तो basically हुआ क्या कि 8वीं और 18वीं सदी के बीच में कई सारे traditions को जो different different देश में या different different kingdoms में चल रहे थे उनको different different राजाओं ने अपनाया। ठीक है, मान लो मैं कहीं गया, मुझे किसी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लग गया तो मैंने उस टाइप के कपड़े खुद पहनने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, वैसे ही ऐसा होता था कि कई बार कई राजा दूसरे राज्यों में जाते थे अगर घूमने के लिए या फिर किसी फंक्शन में गए। ठीक है, वहां की कोई क्वालिटी अगर उनको अच्छी लग गई, कोई टेक्निक अच्छी लग गई तो उसको अपना करके उन्होंने अपने भी नगर में उसको बनवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ टेक्निक्स या शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशंस। समझ में आया? जैसे हमारे महाराज अकबर थे, ठीक है, अकबर द ग्रेट, तो अकबर द ग्रेट ने क्या किया था कि एक हिंदू लड़की से शादी की थी उन्होंने, ठीक है, जोधा से। ठीक है, जब जोधा से उन्होंने शादी की थी तो उनको हिंदू भगवान के बारे में कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो जैसे जैसे उनकी वाइफ उनको बताती थी वैसे वैसे वो कल्चर्स को परफॉर्म किया करते थे। ठीक है, दिस वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ ट्रेडिशंस। समझ में आ रहा है? चलो, इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन द एडजॉइनिंग सल्तनत्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा। In Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal palaces in Fatehpur Sikri. ठीक है, तो हाथियों के रखने की जो जगह होती है, ठीक है, वो बीजापुर और गोलकोंडा के फोर्ट से मैच करता था। दूसरी चीज ये कि मथुरा और वृंदावन में जो भी मंदिर बनाए गए वो मुगल पैलेसेस के डिजाइन से बिल्कुल मैच करते थे, लेकिन ये सरासर झूठ है। अब क्यों झूठ है बोलो, तुम लोग हिंदू हो जानते होगे। Architectural styles that were very similar to Mughal palaces in Fatehpur Sikri, the creation of large empires that brought different regions under the rule helped in the cross-fertilization of artistic forms and architectural styles. Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional architectural styles in construction of their own buildings. In Bengal, for example, the local rulers had developed a roof that was designed to resemble the thatched hut. Together, the Mughals liked this Bangla dome
ठीक है, सो मच दैट द यूज इट इन देयर आर्किटेक्चर एंड इंपैक्ट ऑफ अदर रीजंस वाज आल्सो एविडेंट द अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी एंड मेनी अदर बिल्डिंग्स सो द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चुरल स्टाइल्स ऑफ गुजरात एंड मालवा, ठीक है, अलग अलग तरीके के स्टाइल्स को इन्होंने अपनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और अलग अलग तरीके की जो घर बनते थे या फिर बनाने की जो टेक्निक्स थी इनको अपना करके अपने फॉर्म में उसको डिपिक्ट करना या फिर अपने फॉर्म में उसका यूज कर लेना, ये मुगल्स की बहुत बड़ी खासियत थी। ठीक है, जितने भी डेकेंस के जितने भी राजा थे उनका जो फोर्ट था या जो उनके किले हुआ करते थे उनके किलों की जो डिजाइन थी, ठीक है, वो बेसिकली मुगल्स ने बहुत ज्यादा यूज की थी अपने पैलेसेस में। समझ में आ रहा है, ये जो इंस्क्रिप्शन वाला सीन था इस इंस्क्रिप्शन का यूज भी मुगल्स ने शुरू किया था हिंदू टेम्पल्स को देख करके। ठीक है, क्योंकि हमारे टेम्पल्स में बेसिकली क्या होता था कि पहले के जमाने में बहुत सारे मंदिर बहुत सारे उपदेश कार्व किए जाते थे मंदिर की दीवारों पे, ठीक है, और उन चीजों को देखने के बाद ही मुगल्स ने अपने होली बुक या फिर अपने होली जो उनके ग्रंथ होते थे उनका यूज करके फिर उन्होंने अपना लिखना स्टार्ट कर दिया और हिंदुओं के टेम्पल्स को खराब करना स्टार्ट किया। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है अनुष्का? मैंने बस यही कहा है कि जितने भी फॉर्म्स थे या जितने भी टेक्निक्स हिंदू या फिर दूसरे राजा यूज करते थे मुगल्स उनको अपनाते थे, ठीक है, उनको सीख करके फिर वो अपने तरीके से उसका यूज कर लेते थे अपने बिल्डिंग्स में। समझ में आया? जितने भी मंदिर मथुरा और वृंदावन में बने थे वो लोग कहते हैं कि मुगलों की बिल्डिंग को देख देख करके बनाए गए हैं, बट ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? तुम्हारी बुक में लिखा है इसलिए तुम लोगों को मानना पड़ेगा कि है, ठीक है। Even though the authority of the Mughal rulers waned in the 18th century, the architectural styles developed under their patronage were constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms. ठीक है, जब भी कोई नया राजा अपना नया किंगडम या अपना राज्य स्थापित करता था, ठीक है, तो मुगलों की बनाई हुई चीजों को देख करके फिर वैसे ही अपने किले अपने बिल्डिंग्स को बनवाता था। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई परेशानी है? So the last blue box is churches that touch the skies. Okay? From the 12th century onwards, attempts began in the France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings. This architectural style was known as Gothic. ठीक है, इस बड़े बड़े चर्च बनाने के स्टाइल को और हल्के चर्च बनाने के स्टाइल को हम कहते हैं Gothic. किसी ने Spider-Man 2 देखी है? देखिये इसमें ब्लैक वाला आ जाता है, तो ब्लैक वाला स्पाइडरमैन जो होता है इसमें सीढ़ियां लगी होती है ऊपर घंटा घंटा लगा होता है बहुत बड़ा सा, ठीक है, वो जो स्टाइल है उसी को कहते हैं गॉथिक स्टाइल। ठीक है, समझ में आ रहा है? हल्का का मतलब ये है कि जो बहुत सारे चर्चेस पहले होते थे उनमें बहुत बड़े बड़े बहुत भारी भारी स्टोन का यूज होता था, ठीक है, और उस यूज को कम करने के लिए केवल एक स्टोन को यूज करके, ठीक है, हल्के स्टोन का यूज करके बहुत बड़े बड़े चर्चेस बनाए गए, ठीक है, बहुत बड़े हाइट के, लेकिन वो उस एरिया बहुत कम कवर करते थे। ठीक है, मान लो एरिया बस इस क्लास भर की है और उसकी हाइट है बिल्कुल पेट्रोनास टावर जितनी। ठीक है, अब पेट्रोनास टावर क्या होता है ये बताए, ये नहीं समझ में आया? देखो मतलब इसका बस इतना सा है कि जो चर्च था उसकी वॉल्यूम को कम करके, ठीक है, यानी कि उसके एरिया को कंप्रेस करके उसकी हाइट को बढ़ाया जाने लगा, जाया जाने लगा। समझ में आया? एरिया को कम कर दिया गया, हाइट को बढ़ा दिया गया। ठीक, पेट्रोनास टावर एक बिल्डिंग है भैया जिसकी हाइट बहुत ऊपर लंबी है। ठीक, नहीं है ऊंचा, तुम जाकर सर जो सर गलत गलत कह रहे थे, सबसे ऊंचा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? The use of stained glass, often painted with the seals drawn by the Bible, and the flying buttresses, tall spires and bell towers which were visible from a distance were added to the church. Bell towers का मतलब क्या? एक बहुत बड़ा टावर बना दिया गया, उसके ऊपर बेल लगा हुआ है। ठीक है, बहुत बड़े वॉल्यूम का बेल लगा हुआ है, बज रहा है तो पूरे शहर को सुनाई दे रहा है। उनका एक रिलीजियस बिलीफ है कि बेल हमारे सिंबलिक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, वो लोग समझते हैं कि जब बेल बजता है यानी कि हमारे भगवान के आने का समय हो गया, एक टाइम है उस टाइम में वो अपने आप बजने लगता है। कभी विंड तेज हुई इसकी वजह से बजने लगा, या फिर कोई स्पेशल रीजन है उसकी वजह से बज रहा है, या फिर जो हमारे पादरी साहब होते हैं फादर वो बजा देते हैं जाकर के खाली बैठे क्या करेंगे। नहीं बचता है तो फिर उस दिन वो पूजा नहीं करते हैं। पता है ना क्रिश्चियंस केवल दो दिन पूजा करते हैं, महीने हफ्ते में दो दिन,
फ्राइडे के दिन पूजा करते हैं और संडे के दिन पूजा करते हैं। मुस्लिम भी फ्राइडे के दिन पूजा करते हैं। अरे भैया जैसे हमारे लिए मंगलवार बजरंग बली का दिन है, बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का दिन है, हम लोग के लिए सब है, उनके लिए कुछ नहीं है, केवल वही दिन मनाते हैं। ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द चर्च ऑफ नोट्रे डेम इन पेरिस, which was constructed through several decades in the 12th or 13th century. ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेना है तो ये है हमारा चर्च जिसका नाम है नोट्रे डेम इन पेरिस में है, जो बहुत सारे डिकेड्स पहले बनाया गया था, 12वीं और 13वीं सदी। बाहर से दिखाई देगा ये जो ऊपर टावर दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर जो टावर है, अरे ये वाला है सर, ये दोनों स्पेशली पहले के लिए ही डिजाइन है। समझ में आया, समझी कि नहीं समझी? नहीं देखो अब दिव्य सोच रहा हूँ सर ये क्या होना है। हंसो मत दिव्या, आप फोन को भी शक्ल दिख गई है हमें। देखो कैसा मार दे रहे यार, तुम्हारा चली गई मैं। सर अब बोल दीजिए, मेरी तरह ही मार कर लो। ये सर दादा अच्छा अच्छा जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वहां पे बेल, उसके नीचे फिर चर्च। इस चर्च में दो दो बैल रहेगी? बिल्कुल, कोई जरूरी नहीं है भाई कि एक लगे, दो लगे, पांच लगे, दस लगे, दस भी लग सकता है भाई। तुम किसी भी एरिया में चले जाओ, ठीक है, जो बड़े बड़े चर्च है ना या जो बहुत ज्यादा अच्छे कंट्री के चर्च है वहां तुम्हें बैल जरूर दिखेगा। यस मैम, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ये चैप्टर हमारा अब यहीं पे खत्म होता है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कल से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके पहले का हमारा HW ये है, कंप्लीट द चैप्टर 5, क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्सरसाइज। सर प्लीज राइट देयर एक्सरसाइज, सर राइट इट कॉर्नर आल्सो, सर प्लीज राइट देयर। हां है जस्टिन, कंप्लीट, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज और चैप्टर दिया ही नहीं है, बुक में से क्वेश्चन आंसर दिया है, जो भी दिया वो कर लेना, ठीक है।